सो इनहेरिटेंस में बेसिकली हम लोग देखते हैं आज इनहेरिटेंस की, व्हाट इज इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज एन, पहले हम देख लेते हैं बेसिक जो इसका है थ्योरी पार्ट, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम पे आते हैं और देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम बनाते हैं उसका, ठीक है। सो इनहेरिटेंस इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज द मैकेनिज्म इन जावा बाय विच वी कैन विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स फील्ड एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। ओके, सो इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या है, इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, जो बेसिकली इनहेरिटेंस हम यूज करते हैं रियूजिबिलिटी के लिए, ठीक है, कोड रियूजिबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं इनहेरिटेंस में वो क्या क्या है, सुपर क्लास, सब क्लास, रीयूजेबिलिटी, थ्री बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग यूज करेंगे अभी। सो व्हाट इज सुपर क्लास, सुपर क्लास द क्लास दो हुज फीचर्स आर इनहेरिटेड इज नोन एज सुपर क्लास और बेस क्लास और पेरेंट क्लास, ठीक है। तो ये तीन नेम है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं सुपर क्लास, बेस क्लास और पेरेंट क्लास, ठीक है। सब क्लास क्या है, जो सुपर क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करता है, ठीक है, जो फीचर्स को इनहेरिट करता है और उसको दूसरे सब क्लास और डेराइव्ड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास, ये सारे नेम्स हम डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से हम यूज करते हैं सब क्लास को। द सब क्लास कैन एड इट्स ओन फील्ड एंड मेथड्स इन एडिशन टू सब सुपर क्लास, ये हम लोग देखेंगे अभी। रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, that is when we want to create a new class and there is already a class that includes some of the code that we want, we can derive our new class from existing class। to kehne ka matlab hua ki agar aapne koi class banaya hua hai, theek hai, for example ki aapne koi hum isi ka le lete hain, for example ye ek class hai, theek hai, class hai overloading demo, okay। सपोज कीजिए कि आपके आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, एक आपको बनाना है सिलेनियम का प्रोग्राम, ठीक है, और सिलेनियम के प्रोग्राम में जो बेसिक चीज है, जो कि जितने भी आप प्रोग्राम, जितने भी पर्टिकुलर पेज के लिए आप कोडिंग लिखोगे, ओके, सो वहां पर वेब ड्राइवर की, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है हमें, राइट। अगर आपने थोड़ा भी काम किया होगा पहले तो आप उस तरह से सोच सकते हो कि एक बार जो कोड कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप दोबारा से आप फिर से उस कोड को नहीं लिखोगे, ओके, उस इवन आप जो एग्जिस्टिंग कोड है उस एग्जिस्टिंग कोड को यूज करोगे। तो जब हम एग्जिस्टिंग कोड को यूज करते हैं, ठीक है, तो वो मैकेनिज्म, वो यूज करने के मैकेनिज्म को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस। और उसी का डिस्कशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग कोड, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को हम आप यूज कर रहे हो तो वो कहलाता है कोड, वो कहलाता है रीयूजेबिलिटी, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे कि वो कैसे रीयूजेबिलिटी है और कैसे एग्जिस्टिंग कोड को हम यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक क्लास है जिसमें, क्लास है जिसमें एक मेथड बना हुआ है ऑलरेडी शो, ठीक है, यहाँ पर एक मेथड है शो, तो अब इस पर्टिकुलर क्लास में शो मेथड का डेफिनेशन दिया हुआ है। अब एक और कोई क्लास बना रहे हो डेमो, ओवरराइडिंग डेमो टू, ठीक है, और इस क्लास में भी आपको शो मेथड चाहिए, ठीक है, इस क्लास में भी शो मेथड की फंक्शनैलिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इनहेरिट करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप देखो इस ओवरलोडिंग डेमो टू, ठीक है, ये ओवरलोडिंग का डेमो है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने ओबीजे, और ओबीजे में डॉट लगाने के बाद अगर आप देखोगे ओबीजे डॉट, ठीक है, जब हम डॉट लगाते हैं इसमें तो जितने भी मेथड्स है इस क्लास में वो सारे मेथड्स आ गया है, यहाँ पर डिस्प्ले 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 जो भी इसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ है वो सारा आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें आप कहीं भी देखोगे तो दूसरा कोई भी मेथड नहीं है, ठीक है, दूसरा कोई भी मेथड नहीं है जो इस क्लास में डिक्लेयर नहीं है, जिसका डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इस शो मेथड को, पर्टिकुलर शो मेथड को हमें यूज करना है इस क्लास में, ओके, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो कोड लिखा था इस पर्टिकुलर क्लास में, जो भी कोड लिखा था, ठीक है, हो सकता है कि इस क्लास में हमने 100 लाइन्स का कोड लिखा हुआ, ठीक है, और ये सारे कोड्स आप यूज करना चाहते हो दूसरे किसी क्लास में, तो आप कैसे करोगे, ओके, एंड एंड आपको फिर से कोड नहीं लिखना चाहिए,
तो उसके लिए क्या करोगे, आप यूज करोगे इनहेरिटेंस, ठीक है। और इनहेरिटेंस यूज करने का बेनिफिट क्या है कि आप एग्जिस्टिंग कोड को यूज कर सकते हो। सो मैं यहां पर अगर इनहेरिटेंस लगाऊं, तो इनहेरिटेंस लगाने के लिए हमें बेसिकली क्या यूज करना पड़ता है, कीवर्ड, एक कीवर्ड है एक्सटेंड्स, ओके। सो यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड हम बेसिकली यूज करेंगे। अब यहां पर अब किस क्लास की डेटा चाहिए आपको, तो ओवरराइडिंग डेमो से, ठीक है, ओवरलोडिंग डेमो, ओके। सिर्फ आप इतना ही लिखोगे, एक्सटेंड्स ओवरलोडिंग डेमो, ओवरलोडिंग डेमो, दैट मींस इस क्लास में अब जो भी कुछ है, इस क्लास में जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, वो सारे मेथड्स यहां पर आ गया, ठीक है, आई मीन क्लास में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस है जहां पर वो क्लास नहीं आता है, और क्या है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। सो अभी देखोगे आप, तो पहले ये शो मेथड नहीं आता था, ठीक है, अब शो मेथड आने लगा यहां पर, शो जो भी है वो आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखोगे, यहां पर लिखा हुआ है कि ये शो मेथड है, इसको रीड करने का भी एक वे है, अगर आप डॉट लगाते हो तो क्या होता है, सबसे पहले यहां पर जो लिखा हुआ है, और इस सिंबल का भी अपना मतलब है, ठीक है, ये भी एक्लिप्स में ये सारा चीज है। इफ ग्रीन डॉट है, ठीक है, ग्रीन डॉटेड है, दैट मींस कि ये पर्टिकुलर मेथड जो है डायरेक्टली इसमें यूज हो रहा है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटेंड और एनीथिंग, ठीक है। और ये जो मेथड, ये जो सिंबल है, ये सिंबल का मतलब है कि यहां पर डेफिनेशन आपने दिया हुआ है, तो उसके बाद जो यहां पर लिखा हुआ है शो, दैट मींस ये मेथड का नेम है, और इसका ये दो पैरामीटर है, और ये कॉलन एंड देन इंट, ओके, कॉलन एंड देन इंट, दैट मींस कि वो इंटीजर क्या है, एक रिटर्न टाइप है, ओके। यहां पर जब भी हम लिखते हैं, अगर आप देखोगे इसमें शो इंट ए कॉलन कॉमा इंट बी कॉलन इंट, ओके, दैट मींस इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है ये मेथड, ओके, और ये मेथड कहां पर है, ओवरलोडिंग डेमो में, ठीक है। तो आप इस चीज को यूज कर सकते हो यहां पर डायरेक्टली, ठीक है, आप अगर इसमें वैल्यू पास करो तो आ गया, ठीक है। तो अभी आप देखो, ओवरलोडिंग डेमो में हमने इसका कोड नहीं लिखा था, ठीक है, ओवरलोडिंग डेमो में कहीं भी शो का कोई भी कोड नहीं है, बट ये एक्चुअली एक्सटेंड कर रहा है एग्जिस्टिंग फीचर्स को, एग्जिस्टिंग कोड को, और वो कोड कहां पर है, ओवरलोडिंग डेमो में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमने एग्जिस्टिंग कोड को यूज किया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। सो इनहेरिटेंस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, दैट इज व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ न्यू क्लास एंड देयर इज ऑलरेडी अ क्लास दैट इंक्लूड्स सम ऑफ द कोड दैट वी वांट, ओके, वी कैन डेराइव आवर न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, बाय डूइंग दिस वी आर रीयूजिंग द फील्ड एंड मेथड ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है। तो हाउ टू यूज इनहेरिटेंस इन जावा, ओके, सो हमने अभी देखा कि बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड्स, एक्सटेंड्स, ओके, जावा में हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बेसिकली इनहेरिट करते हैं फीचर्स को। और इसका सिंटैक्स क्या है, क्लास डेराइव्ड क्लास नेम, ठीक है, डेराइव्ड का क्या मतलब है, हमने अभी देखा था सब क्लास में कि अगर कोई सब क्लास है, उस सब क्लास का दूसरा नाम क्या है, डेराइव्ड क्लास, और भी क्या कहते हैं, एक्सटेंड क्लास और चाइल्ड क्लास, ओके। तो कहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डेराइव्ड क्लास, तो आप इजीली कह सकते हो कि डेराइव्ड क्लास क्या है, जो सब क्लास है, ओके, सब क्लास को डेराइव्ड क्लास कहते हैं, ठीक है। और सुपर क्लास का दूसरा नाम क्या है, बेस क्लास, ओके, सुपर क्लास इज ऑल्सो नोन एज बेस क्लास और पेरेंट क्लास, ओके। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, सुपर क्लास एंड और बेस क्लास और पेरेंट क्लास में, तो वो हम लोग अभी देखेंगे आगे। सो बेसिक सिंटैक्स है, डेराइव्ड क्लास, एक्सटेंड्स, बेस क्लास, ओके, एंड मेथड एंड फील्ड, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सो बिलो आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड बाय जावा, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, ओके। सो सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, इन सिंगल इनहेरिटेंस सब क्लास इनहेरिट्स द फीचर्स ऑफ वन सुपर क्लास, इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही क्लास हो। अभी यहां पर ए और बी है, ठीक है, तो क्या हुआ, क्लास ए सर्व्स द एज द बेस क्लास फॉर द ड्राइव क्लास ऑफ बी, ओके। तो ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है।
तो हम एक चलते हैं प्रोग्राम देखते हैं इसका। ओके ये एक क्लास है इनहेरिटेंस डेमो वन, ठीक है। तो अब इस क्लास में क्या है, हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास सुपर क्लास, ओके, एंड एक्सटेंड्स सुपर क्लास, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है अभी, ये एग्जांपल किस चीज का है, सिंगल इनहेरिटेंस, ओके। एक सुपर क्लास है, जो सब क्लास है सिर्फ एक ही सुपर क्लास को इनहेरिट करता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। जो भी सब क्लास है वो सिर्फ सिंगल क्लास को इनहेरिट करता है, ठीक है, वो कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस। दैट मींस ए, बी इनहेरिट्स ए, ओके, बी एक्सटेंड्स ए, दैट मींस बी यहां पर चाइल्ड क्लास है और ए पेरेंट क्लास है, ओके। So, एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें एक बेस क्लास है, दैट मीन ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से हुआ फादर एंड देन चाइल्ड, ओके। तो ये इनहेरिटेंस क्या कहलाता है हमारा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। सो यहां पर सुपर क्लास हो गया, सो लेट्स चेंज द नेम, ठीक है, फादर, ओके। तो यहां पर क्या होगा, एंड इससे ऊपर क्या था, क्लास ग्रैंडफादर, ठीक है। अब क्या होगा, ग्रैंडफादर, क्लास फादर एक्सटेंड्स ग्रैंडफादर, ओके, और ग्रैंडफादर तो फिर क्या कर रहा है, ये इनहेरिटेंस डेमो जो है ये क्या कर रहा है हमारा, इसको हम नाम चेंज कर देते हैं चाइल्ड, ओके, क्लास नेम चेंज्ड, नाउ वी हैव टू चेंज द फाइल नेम एज वेल, ओके। तो फाइल नेम हमने चेंज कर दिया चाइल्ड, ठीक है, और चाइल्ड डेमो, ओके, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। हम लोग प्रोग्राम देखेंगे अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अभी आप देखोगे तो जो ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट का जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी इस क्लास में मेथड्स होगा, वो सारे मेथड्स कहां पर आ जाएगा, पेरेंट्स में, फादर क्लास में आ जाएगा, और फादर क्लास में जो भी होगा वो कहां पर आ जाएगा, चाइल्ड में आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जो है, ऊपर के जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी क्लास है, वो सारे क्लास के मेथड्स को यूज कर सकता है, ठीक है, मेथड्स को, प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है वो, ओके। फॉर एग्जांपल कि अगर इस क्लास में हम एक मेथड बनाते हैं void show, ओके, और यहां पर हम लिखते sys out ठीक है। अब यही चीज, अब एक इस क्लास में लेट्स है कि इस क्लास में एक होता void display और sys out father, ओके, और इस क्लास में, ठीक है, चाइल्ड क्लास में भी इसका अपना एक प्रॉपर्टी है, अपना भी मेथड रख सकता है, ठीक है। तो void लेट्स से कि insert, ओके, एक मेथड है यहां पर इंसर्ट, और यहां पर भी है इसका सिस आउट, ठीक है। नाउ इस क्लास में हम क्या करेंगे, अभी हम टेस्ट करना है कि हमें चल भी रहा है या नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास में एक मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक void मेन, और फिर क्या करेंगे हम स्ट्रिंग, ओके, एंड देन अब आप देखोगे
अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड डेमो ओबीजे इक्वल टू न्यू चाइल्ड डेमो, ओके, न्यू चाइल्ड डेमो। नाउ अभी क्या होगा, अभी जैसे हम ओबीजे प्रेस करेंगे, ओके, ओबीजे डॉट, दैट मीन्स यू कैन सी हियर, यू कैन एक्सेस डिस्प्ले मेथड जो कि कहां पर है, फादर क्लास में है, ओके। यू कैन एक्सेस इंसर्ट मेथड जो कि कहां है, चाइल्ड डेमो क्लास में है। यू कैन एक्सेस शो मेथड जो कहां है, ग्रैंड फादर क्लास में है, ठीक है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, डिस्प्ले यूज कर सकते हैं हम ओबीजे डॉट शो, ओके, ओबीजे डॉट इंसर्ट, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, कोड रियूजिबिलिटी हुआ यहां पर, ठीक है। कोड रियूजिबिलिटी हुआ कि कोड सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ है, आपने किसी एक क्लास में डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, तो आपको बार बार अगर इस क्लास में भी उसी मेथड, इस क्लास में भी अगर सो मेथड की ही रिक्वायरमेंट है तो हम फिर से क्रिएट नहीं करेंगे, जो पहले लिखा हुआ है हम उसी को यूज करेंगे, कैसे, एक्सटेंड। तो अभी जो मैं इसको रन कराऊंगा तो ये इसका आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, ये हमारा कहलाएगा बेसिकली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। ये आउटपुट किसका है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अगर हम यहां से ग्रैंडफादर को हटा देते हैं, सिर्फ इस चाइल्ड क्लास एक ही से एसोसिएटेड रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, ओके। अगर चाइल्ड क्लास भी सिर्फ एक ही क्लास से है, ठीक है, तो सिर्फ क्या कहलाएगा, वो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। एंड देयर इज मल्टीपल क्लास that inheritance each other, तो हम क्या करेंगे उसको, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ओके। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है, जैसे क्लास ए है, ओके, क्लास ए आई मीन बी क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, सी क्लास भी ए को इनहेरिट कर रहा है, डी क्लास भी ए को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्टेड है जावा में, जावा इसको भी सपोर्ट करता है, ठीक है। दिस इज द सेम थिंग, फॉर एग्जाम्पल की जैसे अभी चाइल्ड क्लास ने क्या किया था, फादर को इनहेरिट किया, ठीक है, इस क्लास फादर को इनहेरिट किया, ठीक है, चाइल्ड क्लास ने। सपोज कीजिए कि हम क्या करें, एक कार क्लास है, ठीक है, यहाँ पर कार है, ये कार क्लास भी इनहेरिट कर सकता है किसको, फादर को, ओके। सो दिस वन इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ओके। यहां पर क्या हुआ, हायरार्किकल हो गया, ठीक है। और मारुति जो है ऑलरेडी कार को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, और कार ने क्या किया, फादर को एक्सटेंड किया है, ओके, फादर को, और फादर ने क्या किया है ऑलरेडी, यहां पर आप देखोगे इसमें फादर ने क्या किया है, तो ग्रैंड फादर ने इनहेरिट किया है, ओके। चंदन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द रिजल्ट, एज आई कैन सी द रिजल्ट फर्स्ट इज डिस्प्लेइंग फादर बिकॉज चाइल्ड क्लास एक्सटेंड फादर फर्स्ट, then it's go to the father class and it's extend the grandfather, that's why it's displaying grandfather result. And why child, because it will go to the grandfather but it is displaying वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हो वो है, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी आप देखो, अभी जो भी प्रिंट हुआ है वो सिर्फ हुआ है मेथड को यूज करने से, ओके। इफ यू कॉपी मेथड फर्स्ट तो वो वही प्रिंट करेगा, ठीक है, जिस मेथड को कॉल करेंगे okay. सिर्फ उसी को प्रिंट करेगा, ठीक है। बट योर क्वेश्चन, मैं आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो भी चीज है इसमें, कि इसका मेमोरी मैपिंग कैसे होगा, कंस्ट्रक्टर एंड ऑल कैसे होगा, वो चीज हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं इसमें। अगर हम कह रहे हैं कि एक कोई क्लास है, ठीक है, तो कोई क्लास है डेट मीन्स उस क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा, ओके। और कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है ये आप लोग जानते हो, ओके, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग डिस्कस किया था कि जब भी कोई क्लास बनता है, ठीक है, जब भी हम किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्लास में जो कुछ भी है उसके लिए मेमोरी क्रिएट होगा, ओके, हीप में एक मेमोरी क्रिएट होगा और उसे एलोकेट किया जाएगा साइज, ओके, स्पेस एलोकेट किया जाएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ओके। नाउ क्वेश्चन इज कि अभी क्या होगा, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट स्पेस क्रिएट हो गया, अब क्या हुआ, यहाँ पर एक्सटेंड फादर क्लास, ठीक है, फादर को भी एक्सटेंड किया हुआ है ऑलरेडी, तो अब फादर क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम बना रहे हैं यहाँ पर,
ओके, फादर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट तो बना नहीं रहे बट फिर भी इस क्लास को के लिए मेमोरी एलोकेट हो रहा है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, ओके उस सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है, तो वो पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं कि ये बेसिक इनहेरिटेंस एंड क्या है ये सब चीज। तो अभी का जो सिनेरियो है हमारा, वो अब सिनेरियो हम फोकस करते हैं फिलहाल। एक ग्रैंडफादर क्लास है, दूसरा है फादर क्लास जो कि क्या करता है, ग्रैंडफादर को एक्सटेंड किया हुआ है। दैट मींस कि फादर क्लास में अब ऑलरेडी फादर क्लास कैन यूज सो मेथड, ओके, फादर क्लास कैन यूज सो मेथड, ठीक है। इस क्लास में अभी डिस्प्ले है बट एक्चुअली में देखा जाए तो डिस्प्ले प्लस शो, ये दोनों चीज है इसके अंदर। नाउ चाइल्ड क्लास जो है फादर को एक्सटेंड किया, दैट मींस कि चाइल्ड क्लास में क्या क्या है, डिस्प्ले है, शो है, ओके, और इसका अपना भी प्रॉपर्टी है जो इसके पास अपना है वो भी है, ठीक है। तो रियल लाइफ में अगर आप चलोगे, रियल वर्ल्ड में, तो जो हमारे जो आप हम लोग अपने लेवल पे सोचते हैं कि हमारे जो ग्रैंडफादर जो भी है उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी है उनका, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है जो हमारे फादर है उनको मिला, ठीक है, और फादर ने भी जो अपना, फादर का भी अपना हो सकता है यहाँ पर, लेट से कि हम यहाँ पर और कुछ डाल दें मेथड एबीसी, ठीक है, तो ये मेथड भी हो सकता है। अब जो चाइल्ड है, ठीक है, तो जो इस फादर का चाइल्ड है जैसे ही एक्सटेंड होगा, ठीक है, दैट मींस चाइल्ड क्रिएट हुआ, तो इसके पास क्या है, फादर की जितनी प्रॉपर्टी वो तो है ही, प्लस ग्रैंडफादर का जो था वो भी आ जाएगा उसके पास, ओके। तो यहां पर हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, आई मीन इस चाइल्ड है, चाइल्ड का नाम अगर ओबीजे है, ठीक है, तो ओबीजे कैन एक्सेस ऑल एवोव, ओके, ऑल एवोव प्रॉपर्टीज एंड ऑल, एबीसी भी अब एक्सेसिबल है इसमें, ठीक है। ये था हमारा मल्टी लेवल। अब हमने क्या किया, हायरार्किकल हम अभी देख रहे थे, हायरार्किकल, ठीक है, हायरार्किकल में क्या है, एक और कोई क्लास है कार, ठीक है, कोई क्लास है ऐसे ही कार, इस कार क्लास को भी हमने एक्सटेंड करा दिया फादर क्लास से, ठीक है, इस कार क्लास में फादर क्लास, दैट मींस कि कार क्लास में जो पहले से जो था वो तो है ही, प्लस को और क्या ऐड हो गया, इस फादर क्लास का जो भी था वो भी ऐड हो गया इस क्लास में, दैट मींस कि फादर क्लास में क्या था, डिस्प्ले एंड एबीसी, ओके, तो डिस्प्ले एबीसी भी यहां पर अगर देखें तो ये लॉजिकली ये भी कॉपी हो गया इसमें, ओके, प्लस फादर क्लास ने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी ग्रैंडफादर को इंप्लीमेंट किया हुआ है, दैट मींस कि ये भी कॉपी हो गया इसमें, ओके, ये मेथड भी कॉपी हो गया ऑलरेडी, इंटरनली कॉपी हुआ है जो कि हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है, दैट मींस कि इतना कोड आ गया ऑलरेडी, ठीक है, तो हम इसको डिलीट करते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग राइट नाउ रीयूजेबिलिटी, ठीक है। एक्सटेंड फादर, दैट मींस फादर क्लास का सारा चीज यूज हो गया यहाँ पर। अब आप देखो इस कार क्लास ने को भी किसी ने एक्सटेंड किया हुआ है, मारुति क्लास ने, ठीक है, मारुति क्लास एक्सटेंड्स कार क्लास, तो क्या हुआ यहाँ पर, जब अब यहाँ पर कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सी, तो सी डॉट अब हम लगाएंगे तो क्या क्या हो सकता है एक्सेस, डिस्प्ले जो कि कहाँ है, फादर क्लास में है, शो, शो कहाँ है, ग्रैंड फादर क्लास में है, ओके, एबीसी फादर क्लास में है, लेकिन आप अगर चाइल्ड क्लास में इंसर्ट मेथड है, ठीक है, इंसर्ट मेथड को क्या हम यूज कर सकते हैं, आप यहां पर डॉट लगाओ, आई एन इंसर्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है, इंसर्ट नहीं है इसमें, तो आप इंसर्ट मेथड को नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, इंटरनली ना वो इसी तरह से एक दूसरे से लिंक्ड होता है, तो अगर मैं कहूं कि अभी जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, अभी जो भी कोड लिखा हुआ है, इस कोड का एक डायग्राम बनाओ आप, तो आप कैसे बनाओगे, इस कोड का एक डायग्राम बनाना है हमें, कार क्लास प्लस चाइल्ड क्लास, ठीक है, तो लेट्स डिजाइन, ठीक है, हम एक डिजाइन बनाते हैं जिससे क्या होगा कि हमें कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है, एमएस पेंट, ओके, हम डिजाइन देखते हैं कि इसका कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा, ग्रैंडफादर, तो हम क्या करेंगे, एक क्लास एक बनाएंगे यहां पर, ओके, यह है हमारा ग्रैंडफादर, ओके, नाउ दूसरा है हमारा
फादर, ओके। तो फादर क्लास ने क्या किया है, इनहेरिट किया है ग्रैंडफादर को, ओके। इस क्लास में जो भी प्रॉपर्टी है वो कहां पर है, फादर क्लास में, एज पर दिस कोड, ओके। अब एक और क्लास बनानी चाहिए, चाइल्ड क्लास, ओके। चाइल्ड डेमो, और ये चाइल्ड डेमो भी क्या किया है, फादर को एक्सटेंड किया है, ठीक है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ एक और क्लास है कार, ठीक है, एक और क्लास था कार जिसने क्या किया, फादर को एक्सटेंड किया है, ओके। तो अब इसका डिजाइन कैसे बनेगा, सो लेट्स एक्सपेंड, एक क्लास था, एक और क्लास है यहां पर कार, ओके। देखो आप इस तरह से जब डिजाइन बनाना स्टार्ट करोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। सिर्फ आप कोड देखोगे या कोड पढ़ने से या थ्योरी पढ़ोगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब I mean, वो ज्यादा दिन तक रहेगा याद नहीं रहेगा। जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट होगा या फिर आगे हम लोग टॉपिक में एडवांस टॉपिक में जाएंगे तो ये सब चीज ना भूल जाओगे आप। तो जब भी प्रोग्राम बनाओ कोई भी, तो कोशिश करो कि इस तरह से ना डिजाइन बनाने का, वो ना एकदम से याद रहता है, हमेशा के लिए याद रहेगा फिर, ओके। अब क्या है, ये कार क्लास भी क्या करता है, यूज करता है, ओके, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो एक कार क्लास था, ये कार क्लास भी क्या करता है, फादर को यूज करता है, ठीक है, ओके। नाउ अब यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कार क्लास क्या करता है, एक्सटेंड करता है फादर क्लास को। अब कार क्लास को एक कुछ और एक्सटेंड करता है, ठीक है, जो क्या है, मारुति क्लास, ओके। एक मारुति क्लास है जो कार को एक्सटेंड करता है, ठीक है। ठीक है, सो ये डिजाइन हुआ जो भी आप कोड देख रहे हो अभी, ठीक है। ग्रैंड दैट मींस मारुति क्लास जो है, मारुति क्लास में, मारुति क्लास कैन एक्सेस, ये मारुति क्लास है, ऊपर से सारा जो भी आप देख रहे हो यहां से, ठीक है, ये सारा एक्सेस कर सकता है एक्सेप्ट चाइल्ड क्लास, ओके। चाइल्ड डेमो को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि आप यहां पर लिंक देख रहे हो, लिंक चाइल्ड डेमो में जो भी कुछ होगा वो मारुति में नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होगे इसका कि इस डिजाइन से क्या पर्पस है, और उस डिजाइन के बेस पे आप कोई भी कोड ना इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक अगर डेमो दिखाऊं जावा का, जो ऑलरेडी जावा यूज करता है, तो उससे समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये कितना कॉम्प्लेक्स है, जावा का जो पार्ट है वो इंटरनली कितना कॉम्प्लेक्स है। ये तो आगे का है, हम लोग देखेंगे। ओके, तो जैसे ये एक क्लास है, ठीक है, ये एक इमेज है, आप देख रहे होंगे, एक कलेक्शन क्लास है, ठीक है। अभी आप क्लास ही मानो सारे को, ठीक है, क्योंकि हम इंटरफेस और वो सब हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ अभी इनहेरिटेंस देखते हैं, ठीक है। तो एक क्लास है कलेक्शन, ठीक है, इस कलेक्शन क्लास को किसने यूज किया, सेट अब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन एंड लिस्ट। अब सेट को किसने यूज किया, ऑर्डर्ड सेट अब्स्ट्रैक्ट, ये जो जितना लाइनिंग देख रहे हो ना आप, ये सारे लाइनिंग क्या है, एक्सटेंड्स, वहां पर इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कोई क्लास यूज करते हो लिंक लिस्ट, ओके, आप सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हो इस लिंक लिस्ट का, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हो आप इस लिंक लिस्ट का, ठीक है, इस लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो आप बाय डिफॉल्ट इसके लिंक लिस्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट हम लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते ही क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर यहां लिखते हैं लिंक लिस्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, डॉट लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट में, लिंक लिस्ट डॉट एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी, यहां पर लिखा हुआ है इज एम्प्टी। तो क्या लग रहा है आपको, ये इज एम्प्टी कॉल हो जाएगा, हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप लिंक देखोगे तो ये लिंक बनते बनते ये लिंक कहां गया हुआ है, इसमें गया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ये लिंक लिस्ट जो है यूज कर सकता है इज एम्प्टी, इस क्लास में जो भी मेथड्स है वो सारे मेथड्स को ये पर्टिकुलर क्लास यूज कर सकता है, ठीक है।
तो इनहेरिटेंस इसीलिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है कि आप वहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे यूज करते हैं ये सारा चीज। ठीक है, इस चीज पे हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग कलेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन में बेसिकली हम लोग उतना कलेक्शन की पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये वहां पर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ये एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि जैसे एरे लिस्ट था। ठीक है, हम एरे लिस्ट में अगर जाते हैं इस क्लास में, ओके, ये एक एरे लिस्ट क्लास है। ठीक है, हम अभी डॉट क्लास ओपन कर रखे हैं। अभी आप देखोगे एरे लिस्ट एक्सटेंड्स अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट। ठीक है, तो एक कोई क्लास है एरे लिस्ट जो एक्सटेंड करता है अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को। ठीक है, जैसे यहां पर एक क्लास है कार जो एक्सटेंड करता है फादर को। ओके, तो दैट मीन्स कि फादर क्लास में जो कुछ भी है वो आ जाएगा ऑटोमेटिक क्लास में, कार क्लास में, जो कि हम लोगों ने अभी इस डेमो को देखा। ओके, अब देखते हैं कि इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या, और साथ में इस क्लास का अपना भी जो भी मेथड्स है जो कुछ भी है वो तो रहेगा ही इसका। ठीक है, अब अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट एक्सटेंड्स अब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन। ठीक है, एक्सटेंड क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन को करता है। दैट मीन्स जैसे हमारा यहां पर था कार, जो मारुति जो है क्या करता है, मारुति क्लास कार को एक्सटेंड करता है। ठीक है, और कार क्या करता है, फादर को एक्सटेंड करता है। ठीक है, फादर क्या किया हुआ है, ग्रैंडफादर को एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, सो दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड, क्या कहलाता है ये सारा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, ए को आई मीन ग्रैंडफादर को या फादर क्लास को कितने भी सब क्लास क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ऐसे आप समझो कि एक कोई फादर है तो एक फादर के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, ए एंड बी, ये दो क्लास है जो कि कहां है, सी में। ठीक है, तो ये दो क्लास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सपोर्ट जावा नहीं करता है इस चीज को। ओके, इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वन क्लास कैन हैव मोर देन वन सुपर क्लास एंड इनहेरिटेंस इनहेरिट्स फीचर फ्रॉम ऑल पेरेंट्स इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। नोट, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद क्लासेस। इन जावा वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस ओनली थ्रू इंटरफेसेस। ठीक है, तो इंटरफेस हम आगे देखेंगे, बट राइट नाउ क्या है हमारा कि जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, दैट मींस कि अगर कोई एक चाइल्ड है, ठीक है, इसका आप ऐसे समझो कि कोई एक चाइल्ड है, तो एक चाइल्ड का मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा पेरेंट्स नहीं हो सकता। ओके, इमेज के थ्रू हम थोड़ा और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये मारुति क्लास है। ठीक है, मारुति क्लास, तो मारुति क्लास कभी भी दो क्लास को सब वो नहीं कर सकता। लेट्स कॉपी दिस और हम क्या करते हैं, इसको ये भी करता है प्लस। ठीक है, चाइल्ड डेमो भी है और कार भी है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, सो हम अगर वापिस आए कार क्लास में, कार, और यहां पर क्या है, मारुति है। ठीक है, क्लास मारुति एक्सटेंड्स कार। ठीक है, तो यहां तक ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे, एक और लगाना है हमें। ठीक है, क्या लगाना है, चाइल्ड डेमो। ठीक है, तो चाइल्ड डेमो के लिए क्या होगा, अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें फिर से इस तरह से एक्सटेंड्स चाइल्ड डेमो इस तरह से हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, मारुति क्लास मारुति एक्सटेंड्स कार एक्सटेंड्स चाइल्ड डेमो नहीं करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमा लिखते हैं। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा को इंप्लीमेंट कराना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो आप यूज कॉमा। ओके, यूज सेम कॉमा। तो जैसे हमने अभी देखा था इसमें कि इस क्लास में एरे लिस्ट क्लास में कि अगर एक से ज्यादा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली कॉमा लगा करके यहां पर डालते हैं कॉमा। ठीक है, ये जो देख रहे हो कॉमा, तो इसके थ्रू डालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां, क्वेश्चन ये है
कि क्या ये चीज पॉसिबल है यहां पर. ओके तो आप देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये एक्चुअली अलाउ करेगा ही नहीं कभी भी. ओके क्लास मारुति एक्सटेंड्स कार एंड चाइल्ड डेमो. ओके ये पॉसिबल नहीं है. सो जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके इसका रीजन क्या है वो हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट प्रोग्राम जब करेंगे तो. ठीक है सो एज ऑफ नाउ कि हम ये चीज नहीं कर सकते. ठीक है एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ आप कॉमा लगा करके एक से ज्यादा क्लास नेम नहीं दे सकते हो. ओके नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस. ओके तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है हम अचीव करते हैं थ्रू इंटरफेसेस. ओके इट इज मिक्स ऑफ टू और मोर अबव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. Since Java does not support multiple inheritance with classes, the hybrid inheritance is not possible with classes. Okay? In Java, we can achieve by using interfaces. Okay? अगर आप interface use करते हो, then you can achieve this. That means A class को क्या किया है? B and C ने inherit किया हुआ है, और D class ने क्या किया है? B और C को implement किया हुआ है. Okay? तो वो चीज हम देखेंगे जैसे ही हम इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे. ठीक वो अब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे जब तो हम लोग उस टॉपिक पर जाएंगे अब्स्ट्रैक्शन में. ठीक है क्योंकि अब्स्ट्रैक्शन में जब इंटरफेस हम पढ़ते हैं तो इंटरफेस में बेसिकली वो सारा चीज हम देखेंगे कि ये कैसे बनाएंगे हम इस चीज को. ओके सो इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इनहेरिटेंस. ओके नाउ हम क्या करते हैं कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं प्राइवेट मेंबर ऑफ इनहेरिटेंस ये सारा चीजें ये हम लोग देखेंगे अभी हाइब्रिड एंड ऑल. ओके सो लेट्स क्रिएट ओके अभी तक कोई क्वेश्चन है एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ. अब सर जैसे सर जैसे मारुति एक्सटेंड्स कार एक कार क्लास है तो कार क्लास मतलब कार क्लास ने मारुति ने कार को एक्सटेंड किया है और कार ने फादर को फादर ने ग्रैंडफादर को और अगर कार किसी और भी क्लास को एक्सटेंड कर रही थी तो उसकी भी प्रॉपर्टी मारुति में आ जाएगी. नहीं आएगी. मैं वही चीज बता रहा हूँ कि कार जो है ना ये क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता है. अच्छा अच्छा अब यहाँ पर आप फादर को यूज कर लो या फिर ग्रैंडफादर को यूज कर लो या फिर चाइल्ड को यूज कर लो. ठीक है फॉर एग्जांपल कि अगर हमें क्या करना था हम चाह रहे हैं कि ये जो चीज है ना ये चीज इस केस को हम इस सिनेरियो को यूज करना चाहते हैं. ठीक है हम चाहते हैं कि मारुति क्लास जो है चाइल्ड क्लास में जो कुछ है ना उसको भी यूज करें चाइल्ड डेमो में जो भी यूज करें तो क्या करेंगे इसके लिए. इस तरह से तो पॉसिबल नहीं है ये डबल आप लगा करके नहीं पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं हम कर ये सकते हैं कि कार क्लास में गए फादर की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे चाइल्ड डेमो. हम चाइल्ड डेमो यूज अगर तो क्या होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाएगा चाइल्ड डेमो. अब क्या हुआ अगर आप देखोगे तो चाइल्ड डेमो जैसे हमने किया तो और चाइल्ड डेमो इंटरनली चाइल्ड डेमो फादर को किया हुआ है और फादर ग्रैंडफादर को किया हुआ है. ठीक है तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा अचीव हो गया. ओके ये पूरा अचीव हो गया बट उस केस में हमें करना क्या पड़ा कि कार क्लास में फादर की जगह चाइल्ड डेमो को लाना पड़ा. ओके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है. जी सर ओके ओके ये चीज ना अभी हम यूज करेंगे जैसे ही आगे इंटरफेस और ये सब चीज ये स्टार्ट होगा ना तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना होगा. ओके कि आप जाकर के यहाँ पर एक्सटेंड एक से ज्यादा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिख सकते हो आप इस तरह से कुछ भी नहीं लिख सकते हो ये एक्सटेंड यहाँ सिर्फ एक ही क्लास होगा. ओके 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 अब क्वेश्चन ये है कि नहीं हमें एक से ज्यादा रखना है. ठीक है हम चाहते हैं कि चाइल्ड भी यूज हो फॉर एग्जाम्पल इस कार क्लास में फादर भी यूज हो ग्रैंड फादर भी यूज हो चाइल्ड भी यूज हो. ठीक है इस कार क्लास में तो उसके लिए क्या करना होगा हमें इंटरफेस यूज करना होगा. ओके हम इंटरफेस यूज करेंगे और इंटरफेस के थ्रू वो चीज पॉसिबल है. जैसे आप देखो एरे लिस्ट क्लास में
एक एरे लिस्ट क्लास है, ठीक है, एक्सटेंड्स अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट। यहाँ देखो एक्सटेंड के साथ सिर्फ एक ही क्लास यूज हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट एक ही क्लास यूज हुआ है, लेकिन इंप्लीमेंट्स के जगह इंप्लीमेंट्स के साथ ये सारा इतने सारे इंटरफेस यूज हुआ है। आई मीन हम ये देखेंगे उस टाइम जब हम इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंटरफेस के लिए कीवर्ड है इंप्लीमेंट्स, और इनहेरिटेंस के लिए है एक्सटेंड। okay. तो इसके थ्रू आप कॉमा लगा करके जितना भी डालना है डाल सकते हो आप, तो वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप बेसिक जो बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है, कैसे क्या करता है, वो समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसमें इसका इसका ये कैसे एक्चुअली में यूज कर रहा है, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम ग्रैंड पेरेंट जो है उसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ओके। दो क्लास में हम लोग सिर्फ देखेंगे, जिससे क्या है कि समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। एक क्लास है फादर, ओके, और एक क्लास है चाइल्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। अब इस क्लास में जो भी नहीं है, ओके, ठीक है, तो ये बेसिक प्रोग्राम है। फादर क्लास है, फादर क्लास में दो मेथड है, ठीक है। हम एक ही मेथड रखते हैं, डिस्प्ले, ओके, और डिस्प्ले मेथड में, और एक है हमारा इंसर्ट, जो कि इंसर्ट का है, इसी क्लास का है, और डिस्प्ले है फादर क्लास का, ठीक है। ओके, तो अब हम जब क्वेश्चन है यहां पर कि जब हम लिखते हैं चाइल्ड डेमो और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इसका। अब हम करते हैं एक चीज कि इसका मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है, हम वो थोड़ा देखते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सो इसका मेमोरी अगर हम देखें, लेट्स सेव दिस, ओके। सो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक मेमोरी है हमारा, ठीक है, एक मेमोरी है, इस मेमोरी एरिया में क्या हुआ, सबसे पहले जब आप एक्सटेंड लिखते हो, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट आप कोई भी बनाते हो, तो क्या होता है, सबसे पहले जो एक्सटेंड्स लिखा होता है, ठीक है, एक्सटेंड्स में जो भी क्लास होगा उस क्लास के लिए मेमोरी पहले क्रिएट होगा, ठीक है, उस मेमोरी क्लास के लिए मेमोरी सबसे पहले क्रिएट होता है। तो फॉर एग्जांपल कि जब हमने लिखा है यहां पर, ओके, और इसमें गए, ओबीजे, ठीक है, ओबीजे हमने लिखा, और ये ओबीजे क्या करेगा, बेसिकली इसमें यह है हीप, और यहां पर फादर, ओके। तो सबसे पहले क्या क्रिएट हुआ, यहां पर एक मेमोरी में क्रिएट हो गया क्या, फादर, ओके। जैसे ही हम लिखते हैं चाइल्ड डेमो एक्सटेंड्स फादर, ओके, तो सबसे पहले फादर के लिए जो स्पेस है वो क्रिएट हुआ, उसके बाद जब एक्सटेंड हुआ और आपने यहां पर लिखा हुआ है चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ओके, तो अब एक और मेमोरी इसमें स्पेस क्रिएट होगा, इसमें क्रिएट होगा, आप डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं चाइल्ड डेमो, ओके, चाइल्ड डेमो, और क्या हुआ, चाइल्ड डेमो क्लास में कुछ ऐसे बन गया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा है, और ये रेफरेंस जो है सीधे मेमोरी को इस लोकेशन को रेफर करेगा, ओके, ये इसका इंप्लीमेंटेशन है इंटरनल, ठीक है, और ये क्या है पर्टिकुलर चीज, ये है हमारा स्टैक, स्टैक, एंड दिस वन इज कॉल्ड हीप, ओके।
तो हीप में भी एक होता है पार्ट, ये मेथड के लिए एक अलग से एरिया होता है, ठीक है, उसके लिए हम नहीं डिस्कस करते हैं। हम बेसिक चीज समझते हैं कि जब भी कुछ इस तरह से है, डेट मीन्स एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास में जो भी है वो फादर के ऑब्जेक्ट्स है, डेट मीन्स सबसे पहले फादर क्लास बना उसके बाद चाइल्ड क्लास बना। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका है क्या एक्चुअली में, जो हम कह रहे हैं वो है भी कि नहीं, क्या इस तरह से हुआ भी कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इसको टेस्ट करने के लिए, ये पर्टिकुलर इमेज को टेस्ट करने के लिए आप क्या करो, इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाओ पब्लिक फादर, ओके, और इसमें आप लिखो यहां पर आने के बाद सिस आउट फादर कंस्ट्रक्ट, ठीक है, फादर कंस्ट्रक्टर, ओके। अब आओ आप चाइल्ड क्लास में और यहां भी एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, ठीक है, पब्लिक चाइल्ड डेमो, ओके, और यहां पर भी आप लिखो चाइल्ड कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, ठीक है, इस मेथड को फिलहाल कमेंट बना देते हैं, ओके, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब देखेंगे कि क्या प्रिंट होता है, ठीक है, इस प्रोग्राम को आप रन कराओगे, ठीक है। तो अभी आप क्या हुआ, प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहले क्रिएट हुआ फादर कंस्ट्रक्टर, उसके बाद क्रिएट हुआ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, आप समझ पा रहे हो, इसको भी हटा दो, ठीक है, हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, कम से कम कंफ्यूजन हो वो चीज करते हैं, ठीक है, ओके। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है चाइल्ड डेमो, फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर है फादर, ओके। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया हमने चाइल्ड सी, चाइल्ड डेमो ओबीजे इक्वल टू न्यू चाइल्ड डेमो, और प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करके हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट क्या आता है, सबसे पहले फादर कंस्ट्रक्टर एंड देन चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ओके, आप इस समझ रहे हो ना, दैट मींस कि सबसे पहले मेमोरी में क्या क्रिएट हुआ, फादर क्रिएट हुआ, सबसे पहले मेमोरी में ये फादर क्रिएट हुआ, उसके बाद जाकर के ये चाइल्ड जो था चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ओके, ये इसका बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट है, ओके, जो कि हमें समझना चाहिए। नाउ हम कंटिन्यू करते हैं इसमें, लेट से कि हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं, इंटीजर आई इक्वल टू 10, ओके, आई इक्वल टू 10। अब हम अगर यूज करना चाहे इस वैल्यू को, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले क्रिएट क्या होता है, फादर क्लास का, फादर क्लास के लिए मेमोरी क्रिएट होता है सबसे पहले, ओके, दैट मींस कि फादर क्लास में जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले इनिशियलाइज हो जाएगा, ओके, उसके बाद चाइल्ड क्लास में जो होगा वो आएगा, ठीक है, बट चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फादर क्लास के भी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लगाते हैं, अगर सिस आउट, सिस आउट, एंड इफ यू वांट टू यूज द वैल्यू ऑफ आई, तो हम क्या करेंगे, ओबीजे डॉट आई, ओके, तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, फादर क्लास के, आई मीन इस क्लास के मेथड्स प्लस वेरिएबल्स, उसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एंड मेथड, दैट मींस मेंबर, मेंबर फंक्शन एंड डेटा मेंबर, ओके, ये दोनों चीज को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज करता हूं आपको, अभी तक ठीक है ना, अभी तक समझ में आ रहा है, राइट, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ओके, तो मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग और भी कॉम्प्लिकेटेड है जब हम यूज करेंगे इनहेरिटेंस, ओके, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करें तो कैसे चलेगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमें एक और कंस्ट्रक्टर है इसमें फादर, ओके, एंड यहां पर यूज हो रहा है इंट ए, ओके, यहां पर हम लिखे हैं सिस आउट फादर, ओके, प्लस ए, ठीक है। नाउ कुछ ये चीज है, ठीक है, अब हमें प्रोग्राम के थ्रू यूज करना है इस फादर कंस्ट्रक्टर को, ठीक, अभी अगर आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो क्या हुआ,
फादर कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ, और ये वैल्यू जो था 10 वो प्रिंट हो गया, ठीक है। ये जो वैल्यू था 10 ये प्रिंट हो गया इसके थ्रू। इस लाइन को कमेंट बनाएंगे तो ये भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, बट वी वांट टू यूज द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम यूज करना चाहते हैं चाइल्ड बाय यूजिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हम कैसे करेंगे, ओके। सो वी हैव सुपर मेथड, ओके। दो चीज है, एक सुपर कीवर्ड है एंड एक सुपर मेथड है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम यूज करेंगे, ओके। तो सुपर और सुपर में अगर जो भी वैल्यू दोगे आप तो क्या होगा, यूज होगा, ओके। अब अगर हम देखें इसको एग्जीक्यूट करके तो क्या आउटपुट आएगा, ओके। फादर 100 देन चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ओके। दैट मीन्स कि जैसे ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, इस क्लास के लिए सारा चीज क्रिएट हुआ, बट कंस्ट्रक्टर कौन सा यूज होना है, ओके, वो डिसाइड किससे होगा, वो डिसाइड होगा सुपर से। अगर सुपर एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप ये लाइन सपोज कीजिए नहीं है, ठीक है, ये लाइन सपोज कीजिए नहीं है, बट इंटरनली क्या करता है ये जावा, इंटरनली यहाँ पर सुपर एक मेथड कॉल कर देता है, ठीक है, इंटरनली इतना चीज लिखा होता है, ओके। तो आप ये चीज लिखो या नहीं लिखो, अगर आप लिखते हो डेट मीन्स तो भी जाकर के वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर आप नहीं लिखते हो तो भी कॉल होगा, ठीक है। बट अगर आपने इसमें कुछ वैल्यू दे दिया, ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैचिंग कंस्ट्रक्टर जो होगा उसी में जाएगा, ठीक है। मैचिंग कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर है टोटल, ठीक है, तो दो कंस्ट्रक्टर में इंटीजर वैल्यू वाली जो भी कंस्ट्रक्टर होगा उसमें चला जाएगा वो, ओके। तो ये मेथड ओवरराइडिंग, आई मीन अभी जो है मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ही है, मीन्स देखा जाए तो ये ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है अभी, बट ये ओवरलोडिंग कहाँ पर हो रहा है, आपका इनहेरिटेंस के केस में हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल क्लास में हो रहा है। तो सपोज कीजिए एक और अगर कंस्ट्रक्टर हो यहां पर, पब्लिक फादर इंट ए कॉमा इंट बी, ओके। अब अगर इसको कॉल करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 100, ठीक है, सपोज कीजिए कुछ इस तरह से वैल्यू पास करते हैं। तो अब क्या है, मैचिंग कंस्ट्रक्टर जो होगा, ये दो पैरामीटर इंटीरियर टाइप की वैल्यू जिसको मैच कर रहा होगा उसी में जाएगा वो, ओके। तो वैल्यू जो भी होगा वो प्रिंट करेगा वहां पर, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराएं ए एंड प्लस प्लस बी, ठीक है, तो अब अगर एग्जीक्यूट करते हैं हम तो आउटपुट क्या आएगा, 100 and 100, ठीक है। दैट मीन्स कि वो इस कंस्ट्रक्टर में आया है, ठीक है। तो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज सुपर मेथड, ओके, सुपर मेथड, सुपर कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। तो ये कुछ इसका बेसिक बेसिक इसका है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसमें डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, जो कि मेन कॉन्सेप्ट था हमारा, जो रह गया था वो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, उसका क्या है मेन इसका आइडिया, ठीक है। सो लेट्स, तो हम क्या करते हैं, ये सारे को, अभी तक कोई क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस थिंग, ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन है, नो सर, ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट, ओके। अभी हमने क्या किया, नाउ ओबीजे डॉट,
चलो इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा सी, ओके सी डॉट शो सी डॉट डिस्प्ले, ओके सी डॉट शो एंड सी डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अभी हुआ क्या है, फादर क्लास यहां पर अभी ये जो है ना, आप अभी जो कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं, ओके तो इस पे आप लोग फोकस करना, क्योंकि जो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा जो रिजेक्ट होते हैं लोग वो ये टॉपिक है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। अभी क्या है, फादर क्लास है, फादर क्लास में दो मेथड है शो एंड डिस्प्ले, और एक चाइल्ड क्लास है जो एक्सटेंड करता है फादर क्लास को, दैट मींस कि फादर क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो कहां पर उठ के आ गया है, ऑलरेडी आ गया है चाइल्ड क्लास में, ठीक है, बट फिर भी यहां पर क्या हुआ है, चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड कर दिया है ऊपर वाले मेथड को, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या होगा, ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट ठीक है, सी डॉट शो एंड सी डॉट डिस्प्ले, ठीक है, एज पर आवर कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फादर क्लास बना और फादर क्लास में जितना भी जो भी मेथड था वो इनिशियलाइज हुआ, ओके। जब चाइल्ड क्लास बना और चाइल्ड क्लास में भी अगर सेम ही मेथड शो एंड डिस्प्ले, ठीक है, यहां पर आप देखो यहां पर भी शो, चाइल्ड क्लास में भी शो है एंड चाइल्ड क्लास में डिस्प्ले है, तो क्या करेगा ये चाइल्ड क्लास, इस फादर क्लास के जो भी था उसको रिप्लेस कर देगा, ओके, उसके मेथड को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग, दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग, ठीक है, जो कि इसमें जो बना हुआ था पहले से उसको ओवरराइड कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना थोड़ा सा, ओवरराइडिंग, ओके। एक टर्म और है, स्टैटिक अगर हम लगा देते हैं, ठीक है, यहां पर स्टैटिक, अब कह रहा है ये दिस इंस्टेंस मेथड कैनॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड ऑफ फादर क्लास, ओके, रिमूव स्टैटिक ऑफ फादर क्लास, ओके। तो सपोज कीजिए मैं यहां से हटाऊं और क्या करते हैं, यहां लगाते हैं स्टैटिक, सो दिस स्टैटिक मेथड कैनॉट हाइड द इंस्टेंस ऑफ फादर क्लास, ठीक है। मैं एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर स्टैटिक मेथड बनाते हो, ठीक है, कोई अगर स्टैटिक मेथड है फादर क्लास में, ठीक है, और आप स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करते हो, ओके, तो वो ओवरराइड नहीं होगा। रीजन ये है कि बेसिकली स्टैटिक चीज को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, जो कि जो फादर का पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप उस चीज को आप चाइल्ड क्लास नहीं कर सकता ओवरराइड, ओके। तो इस टर्म को क्या कहते हैं, बेसिकली मेथड हाइडिंग, और इसको कहते हैं शेडोइंग, मेथड शेडोइंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस पे हम लोग देखेंगे इसका एक और प्रोग्राम करके, अभी हम थोड़ा सा चलते हैं इसमें। ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्या, मेथड ओवरराइडिंग, ओके, अभी डायनामिक ओवरराइडिंग नहीं हुआ, अभी सिर्फ मेथड ओवरराइडिंग है। नाउ लेट्स क्रिएट वन अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, फादर एफ इक्वल टू न्यू फादर, ओके। अब हम क्या करेंगे, फादर क्लास के ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली बनाया हमने, फादर एफ इक्वल टू न्यू फादर, ठीक है। अब एफ डॉट शो एफ डॉट डिस्प्ले, ओके। अब इसका आउटपुट क्या होगा, इस वाले आउटपुट, इसका क्या होगा आउटपुट, अभी हम सिंपल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, सिंपल चीज है। अभी जब हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट लिया था और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जब प्रिंट कराए थे हमने शो एंड डिस्प्ले को, ठीक है, तो आउटपुट क्या था हमारा, सी डॉट शो मींस चाइल्ड क्लास के शो और डिस्प्ले प्रिंट हुआ था। अभी फादर वाले को अगर प्रिंट कराते हैं तो क्या होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं फादर क्लास का, तो क्या यूज आउटपुट आया, एफ डॉट शो एंड एफ डिस्प्ले, दैट मींस अगर आपने रेफरेंस जिसका यूज किया है उस रेफरेंस का आउटपुट प्रिंट हो गया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ प्रॉब्लम क्रिएट अब होगा, ओके, हम क्या करेंगे, चाइल्ड डेमो
C1 equal to new father. Okay. ओके अब अगर हम कुछ ऐसा करते हैं ठीक है, चाइल्ड डेमो सी इक्वल टू न्यू फादर, ठीक है, तो ये क्या है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फादर टू चाइल्ड। ओके इसको करने से पहले हम थोड़ा सा देखें अपोजिट कॉन्सेप्ट, फादर एफ इक्वल टू एफ वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड डेमो, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, ये जो अभी दो चीज है ना, यही चीज कहलाता है हमारा डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओके और जितना भी क्वेश्चंस और ये सब है ना, वो सारा चीज इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना, फादर एफ वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड, जब हम ये लिख रहे हैं तो कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जब हम लिख रहे हैं चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू फादर, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ओके इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं, पहले इसमें देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, एफ वन डॉट डिस्प्ले सो पहले लिखते हैं एफ वन डॉट सो एंड देन एफ वन डॉट डिस्प्ले। ओके अब आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक यहां पर एसओपी लगा देते हैं, सिस आउट, और सिस आउट में हम डालते हैं ओके out and यहां पर sys out ठीक है। so ठीक है, तो फर्स्ट वन का आउटपुट क्या था हमारा, जब हम कर रहे हैं चाइल्ड डेमो चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ओके जब हम कर रहे हैं चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, तो क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास के मेथड को प्रिंट कर रहा है सो एंड डिस्प्ले। जब हम कर रहे हैं फादर एफ इक्वल टू न्यू फादर, तो फादर क्लास के मेथड को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, एफ एफ। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुआ यहां पर, जब हम कर रहे हैं फादर एफ वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ओके तो इस केस में क्या हुआ, फादर का रेफरेंस है बट प्रिंट किसको किया, चाइल्ड क्लास को। आप समझ रहे हो, जब हम यहां पर हम कर रहे हैं एफ फादर एफ वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड, हम फादर का रेफरेंस यूज कर रहे हैं, फादर का रेफरेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू ऑब्जेक्ट किस रेफरेंस किसको कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास में। तो जब हम करेंगे शो एंड डिस्प्ले, तो इस केस में क्या होगा, शो मेथड को प्रिंट करेगा। ओके शो मेथड प्रिंट कर रहा है किसका, चाइल्ड क्लास का। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको करते हैं एक्सटेंड, और हम क्या करेंगे, void in insert, ठीक है, void insert हमने लगाया, sys out f insert, ओके sys out f insert, और इस चाइल्ड क्लास में एक और मेथड हम लगाते हैं चाइल्ड क्लास में भी, ठीक है, जो कि डिफरेंट मेथड होगा, डिलीट, ओके सिस आउट सी कॉलन डिलीट। देखिए अब जो है ना, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट जो है प्रॉब्लम समझ में आएगा, क्योंकि अभी आउटपुट आ गया तो लग रहा होगा ठीक है कुछ खास नहीं है। प्रॉब्लम अब है, जब हम करते हैं यहां पर फादर एफ वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड, और जब हमने F1, अब क्या है कि फादर का हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी क्या होगा, हम F1 डॉट क्या क्या यूज कर सकते हैं, इंसर्ट यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, F1 डॉट डिलीट यूज कर सकते हैं, डिलीट नहीं है, ठीक है, डिलीट को हम एक्सेस नहीं कर सकते। ओके तो एक चीज पहले समझने वाली चीज है कि अगर आप रेफरेंस किसका यूज कर रहे हो, ठीक है, आप रेफरेंस किसका यूज कर रहे हो ये डिपेंड करता है, ठीक है, रेफरेंस किसका यूज कर रहे हो ये डिपेंड करता है। लास्ट में जो आउटपुट आया वो क्या आउटपुट आया यहाँ पर, इसका देखो आप, लास्ट वाले मेथड का, चाइल्ड सी शो चाइल्ड सी डिस्प्ले बट फादर इंसर्ट, ये फादर वाले इंसर्ट को कॉल किया इसने। ओके फादर क्लास में देख जनरली क्या होना चाहिए था, अभी जो आउटपुट था वो इंसर्ट फादर, ठीक है, इस क्लास के मेथड को प्रिंट किया इसने, ठीक है, इंसर्ट मेथड को प्रिंट किया यहाँ पर,
ओके, जब हम यूज कर रहे हैं फादर एफ वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड, दैट मीन्स कि फादर के रेफरेंस को यूज करेगा, तो वही मेथड को आप यूज कर सकते हैं जो सारे फादर क्लास में डिफाइंड होगा। ओके, तो टोटल फादर क्लास में ये तीन मेथड डिफाइंड है, ठीक है, तो तीन ही मेथड को आप यूज कर सकते हो। दैट मीन्स एक थर्ड मेथड जो हमने बनाया था डिलीट, जो कि चाइल्ड फादर क्लास में नहीं है, ठीक है, तो वो हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। आप डिलीट नहीं यूज कर सकते हो, एफ वन डॉट डिलीट नहीं चलेगा। ओके, ये मेथड है ही नहीं, कह रहा है ये मेथड है ही नहीं, सो यू कैन नॉट यूज डिलीट मेथड। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि जब हम इंसर्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो इंसर्ट किसका कॉल कर रहा है, फादर क्लास का, लेकिन डिस्प्ले एंड शो जो मेथड है वो किसका कॉल कर रहा है, शो आई मीन चाइल्ड क्लास का। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है मेमोरी मैपिंग। क्या करता है, जब आप यहाँ पर फादर का ऑब्जेक्ट बनाते हो और रेफरेंस देते हो, तो वो ये चेक करता है, ये रेफरेंस बेसिकली ये चेक करता है मेमोरी में कि कोई, जैसे फर्स्ट उठाया शो, ठीक है, तो ये गया यहाँ पर और शो मेथड को लिया, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि क्या शो मेथड चाइल्ड क्लास में भी है, अगर चाइल्ड क्लास में भी, सपोज कीजिए सॉरी, यहाँ पर इस फादर क्लास के शो मेथड को उठाया और ये चेक करेगा कि क्या ये शो मेथड चाइल्ड क्लास में भी है, अगर चाइल्ड क्लास में है तो इस चाइल्ड क्लास को ओवरराइड कर दो, मीन्स चाइल्ड क्लास के डेटा को दिखाओ। इसी तरह डिस्प्ले मेथड को उठाया और डिस्प्ले को देखा कि चाइल्ड में है तो मिल गया वहां पर, ठीक है, तो डिस्प्ले दिखा दिया। इंसर्ट मेथड को लिया और देखा इसमें है, नहीं है, दैट मीन्स कि वो फादर क्लास का दिखा दिया, ठीक है। ये है हमारा, इसको कहते हैं बेसिकली डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, फिर मैं ये नेक्स्ट, ये लास्ट टॉपिक है, इसको मैं कंप्लीट करूं, और डायनामिक बाइंडिंग, ठीक है, इसको हम डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं कि बाइंड कर रहा है वो डायनामिक, रन टाइम पे बाइंड कर रहा है। ओके, कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, सर इसने डिलीट वाले को क्यों नहीं कॉल किया, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं था चाइल्ड में, वो डिफाइंड नहीं, सॉरी, हाँ, डिफाइंड नहीं था फादर में, राइट राइट, क्योंकि जब होता क्या है ना, जब आप रेफरेंस, जिसका इस वाले पार्ट को रेफरेंस कहते हैं, ठीक है, और इस वाले पार्ट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कहते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हम चाइल्ड क्लास का, रेफरेंस दे रहे हैं हम फादर क्लास का, तो इंटरनली क्या, और यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्या चीज, इनहेरिटेंस का। ओके, तो इनहेरिटेंस में क्या है कि फादर क्लास के रेफरेंस में, दैट मीन्स कि फादर क्लास में जितने मेथड्स होगा उतने ही मेथड्स को आप कॉल कर सकते हो, अब डिपेंड, कॉल तो हमने कर लिया लेकिन वैल्यू किसका प्रिंट करेगा। ओके, वैल्यू किसका प्रिंट, तो इस दो के केस में वैल्यू किसका प्रिंट करेगा, तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा चाइल्ड क्लास का। ओके ओके, इंसर्ट इसमें है ही नहीं, इसलिए फादर क्लास का कर दिया इसने, ठीक है। ओके ओके, तो ये इसका बेसिक है, जिसको कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग। ओके, और डिलीट फंक्शन इसलिए नहीं है। अब हम आते हैं लास्ट में, हम अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू फादर, हम कह रहे हैं कि चाइल्ड बनाओ पहले, ठीक है, हम कुछ ऐसे कह रहे हैं कि दुनिया में जो है चाइल्ड पहले पैदा हुआ, ठीक है, और उसका जो फादर है वो बाद में आ रहा है, आप समझ रहे हो इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि चाइल्ड एक क्रिएट हुआ और फादर पहले से ही था, ठीक है, तो उसको रेफरेंस दे दिया। अब यहां पर कह रहे हैं कि पहले एक चाइल्ड बना हुआ है ऑलरेडी, अब उसका एक फादर बन रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए इसलिए इसने एरर दे रहा है यहां पर कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट क्या होता है, चाइल्ड डेमो। ओके, जब हम इस तरह से लिख देंगे चाइल्ड डेमो टाइप कास्ट, ठीक है, तो ये चीज जो है हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है, ये वर्क करने लगेगा, ठीक है। अब आप जाओ और यहां पर क्या करो, सी वन डॉट शो, सी वन डॉट डिस्प्ले, सी वन डॉट इंसर्ट, ओके, सी वन डॉट डिलीट, ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, सारे को कॉल किया, ठीक है, अब देखते हैं कि आउटपुट में क्या प्रिंट होता है, ठीक है,
इसको कहते हैं बेसिकली टाइप कास्टिंग, ठीक है, टाइप कास्टिंग इसको कहते हैं। अब आप देखोगे, इसके लिए मैंने प्रिंट नहीं किया यहाँ पर, ओके ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर, देखो मैंने क्या कहा था कि ये जो है हमारा क्या कहलाता है, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। तो जब हम कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, कोडिंग में देखो कोई एक्सेप्शन नहीं है। हुआ क्या, कह रहा है यहां पर लास्ट में चाइल्ड सी वन इक्वल टू चाइल्ड और डेमो फादर, ठीक है, इसने लिया। अब एक्सेप्शन आया यहां पर फर्स्ट लाइन में, इसी लाइन में एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, इस लाइन में एक्सेप्शन आया, कह रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन क्लास कास्ट एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, फादर कैन नॉट बी कास्ट टू चाइल्ड, ओके। अब समझ में आ रहा है कि फादर को आप जो है, आई मीन आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल सोचो, ठीक है, कि जो एक, जो कोई आदमी सपोज कीजिए कि 30 इयर्स का है, ठीक है, तो 30 इयर्स के एज को आप कम नहीं कर सकते, ठीक है, आप 30 इयर्स के हो, अगले साल आप 29 इयर्स के नहीं हो गए, ओके। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि आप चाइल्ड को, आई मीन चाइल्ड को फादर बना सकते हो, ठीक है, लेकिन फादर को आप चाइल्ड नहीं बना सकते, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंटरनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से जब भी कास्टिंग करोगे तो ये हमें करना होता है कि ये पर्टिकुलर चीज प्रोग्राम लिखते टाइम तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही कंपाइल करोगे तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो रन टाइम पे डिसाइड करता है एक्चुअली में कि उसको वैल्यू क्या जाना चाहिए। कंपाइल टाइम पे तो उसको सारा चीज मिल रहा है, जो ही मेथड था वो सारा मेथड मिल गया, ओके, बट रन टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? तो फिर सर इस चीज को रिजॉल्व कैसे करेंगे? इस चीज को एक्चुअली हमारा कोड में तो कुछ एरर भी नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल, इसी चीज के लिए तो है एक्चुअली। आप जब डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म बनाते हो तो हमें कहा जाता है कि हमें उप्स कॉन्सेप्ट ना एकदम बेसिक, एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। आप देखोगे हमेशा कहा जाता है कि उप्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसका रीजन क्या है? रीजन ये चीज है, ये नहीं कि आपको प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, प्रोग्राम तो कोई भी लिख सकता है। क्वेश्चन ये है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ओके। तो चंदन, इट मींस वी कैन नॉट कॉल सुपर क्लास विद सब क्लास, राइट? वी कैन नॉट रेफर विद दैट सुपर क्लास विद सब क्लास। आई मीन यू वांट टू क्रिएट सुपर क्लास रेफरेंस एंड आई मीन देखिए इसमें डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस किसका यूज कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस किसका यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर क्वेश्चन है, सो हम अभी इस पे ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो चीज है ना ये थ्रू आउट चलेगा प्रोग्राम। मैं दिखाऊं इससे, जैसे इतना हो गया ना तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम गूगल सर्च का, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा था कि ये चीज ना हम लोग देखेंगे अभी आगे इनहेरिटेंस वगैरह में, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में कि ये कैसे रहा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए समझते हैं कि ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, ठीक है। बट अभी आप देखो तो दोनों क्लास का नेम डिफरेंट है, दैट मींस कि यहाँ पर कुछ डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म चल रहा है, ओके। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर सिंपल है कि ये डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म चल रहा है, रन टाइम पे बाइंडिंग हो रहा है, इसको रन टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं। तो रन टाइम बाइंडिंग में बेसिकली क्या है, ये है वेब ड्राइवर, ओके। वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, इस पे हम लोग डिस्कस इंटरफेस क्या है करेंगे, और ये क्या है, फायरफॉक्स ड्राइवर है। तो जब आप फायरफॉक्स ड्राइवर का डेफिनेशन देखोगे, ओके, इसका नहीं है यहाँ पर, तो एक क्लास है पब्लिक क्लास सेलेनियम फायरफॉक्स ड्राइवर, फायरफॉक्स एक्सटेंड्स, फायरफॉक्स एक्सटेंड्स किसको करता है, रिमोट ड्राइवर को, ओके। एक क्लास है कोई रिमोट ड्राइवर, रिमोट ड्राइवर को फायरफॉक्स ड्राइवर एक्सटेंड करता है, ठीक है। और अब रिमोट ड्राइवर क्लास में जब जाओगे आप, ओके, तो रिमोट ड्राइवर क्लास क्या करता है, बेसिकली वेब ड्राइवर को इंप्लीमेंट करता है, ओके। रिमोट ड्राइवर जो है वो बेसिकली वेब ड्राइवर को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट से, रेफरेंस से आप क्या कर सकते हो, वेब ड्राइवर का रेफरेंस बनाया और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से रेफर कर दिया, ठीक है। दैट मींस कि अब वेब ड्राइवर अभी क्या है, सपोज कीजिए कि
फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास ने रिमोट ड्राइवर को एक्सटेंड किया था। इसी तरह से क्रोम ड्राइवर है, उसने भी एक्सटेंड किया हुआ है इसको, ठीक है। और इंटरनली रिमोट ड्राइवर ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है वेब ड्राइवर को, ओके। तो दैट मींस ये हुआ कि हम ऐसे लिख सकते हैं वेब ड्राइवर डी वन इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ओके, न्यू क्रोम ड्राइवर हम लिख सकते हैं, ओके। ये डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर है, ठीक है। तो अब क्या है यहां पर कि वेब ड्राइवर में जो कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, वो सारा फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो जाएगा इस क्रोम के अकॉर्डिंग। मींस डिफाइंड है वेब ड्राइवर, ठीक है। जैसे आप देखो डिफाइंड है वेब ड्राइवर में, सपोज करते हैं कि ये गेट मेथड है, ठीक है। ये गेट मेथड कहां डिफाइंड है? वेब ड्राइवर के अंदर, ओके। वेब ड्राइवर में हम अगर अच्छा लें, इसका डेफिनेशन अगर हमें मिल जाता है तो हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंड है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वेब ड्राइवर क्लास है, वेब ड्राइवर में गेट मेथड है, ठीक है। एक गेट मेथड है यहाँ पर, ओके, गेट पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वॉइड गेट, ठीक है। एक गेट मेथड है जो कहा है वेब ड्राइवर में। जैसे यहां पर क्या था, जब हम यूज कर रहे थे फादर एफ वन इक्वल टू चाइल्ड डेमो, तो एफ वन देखो यहां पर क्या हुआ, जब प्रिंट हुआ ये सो एंड डिस्प्ले, ठीक है, सो एंड डिस्प्ले प्रिंट हुआ, और ये सो डिस्प्ले कहां था? चाइल्ड डेमो में था। तो इसका आउटपुट क्या आया था? फादर एफ वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड जब हमने किया था, तो आउटपुट क्या आया था? सी डॉट सो, सी डॉट डिस्प्ले एंड एफ डॉट इंसर्ट भी आया था। दैट मीन्स कि जो मेथड चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड कर दिया, तो चाइल्ड क्लास के मेथड के वैल्यू प्रिंट होगा। दैट मींस कि अगर यहां पर लिखा हुआ है वेब ड्राइवर डी वन इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, वेब ड्राइवर फायरफॉक्स इक्वल टू फायरफॉक्स ड्राइवर, तो जब हम करते हैं यहां पर ड्राइवर डॉट गेट, ओके, तो अब गेट मेथड जो है वो किसका कॉल होगा? अभी जो गेट मेथड है वो किसका कॉल होगा? फायरफॉक्स गेट, ओके, मेथड। अब यहां पर अगर हम करते हैं डी वन डॉट गेट, तो किसका होगा कॉल? क्रोम गेट मेथड, ओके, क्योंकि क्रोम ने ओवरराइड किया हुआ है गेट मेथड को। आप समझ रहे हो, ये डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना कैसे है। वैसे हम लोग इसको जब इनहेरिट है वो सेलेनियम करेंगे तो उस टाइम हम लोग देखेंगे इसको, बट इस लेवल पे नहीं देखेंगे। अभी जो हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि कोर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे करता है, तो वो हम लोग नहीं देखेंगे, समझ रहे हो। तो वो कैसे है, अगर आप इसको और डिटेल्स में देखना चाहते हो, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर क्लास में क्या लिखा हुआ है और ये सब क्या है, जैसे आप फायरफॉक्स क्लास का इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कोड है लेकिन कोड ढंग से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक क्लास, एक उस एप्लीकेशन का नेम है जावा, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना, जावा डी कंपाइलर, ओके, जावा डी कंपाइलर, ठीक है। तो जावा डी कंपाइलर है, इसको आप डाउनलोड करो, वो बेसिकली बता देगा कि क्या करना है, ठीक है। डाउनलोड, सो यू कैन डाउनलोड जार फाइल, सो जावा डी कंपाइलर बेसिकली क्या करता है कि कोई भी जार फाइल है, ओके, अगर इस प्रोजेक्ट में आप देखोगे, इस प्रोजेक्ट में कुछ जार फाइल्स है, ठीक है, कुछ जार फाइल्स है, जैसे सिलेनियम ड्राइवर और ये सब, सिलेनियम कोड, ये सब ड्राइवर है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखा हुआ है वो आप रीड कर सकते हो, किसके थ्रू? जावा डीकंपाइलर के थ्रू, उसके एग्जैक्ट कोड को आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये इंटरनल इंप्लीमेंटेशन कैसे है और क्या है। अभी के लिए हम ये समझते हैं, उसको देखते हैं हम। अभी के लिए ये है कि अगर एक ही, ये बेसिकली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट बेसिकली इससे इस चीज के लिए है। आपने रेफरेंस लिया फादर क्लास का और ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, और इंटरनली जो भी फादर क्लास में मेथड था, दो जितने भी मेथड था, फॉर एग्जांपल कि फादर क्लास के दो मेथड को गेट और डिस्प्ले, सपोज कीजिए कि ये गेट मेथड है, गेट को चाइल्ड ने ओवरराइड किया हुआ है, इस चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड किया हुआ है, ठीक है। तो
तो अभी क्या प्रिंट होगा, उस चाइल्ड क्लास का प्रिंट होगा। और सपोज करते हैं कि हम क्या करें, ये आप समझ रहे हो ना, ये तो पर्टिकुलर चीज एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, फादर f1 equal to गेट चाइल्ड, ठीक है। अब हम कार का एग्जांपल लेते हैं, कार क्लास ने क्या किया, कार क्लास एक्सटेंड्स फादर, ओके फादर, और इसने क्या किया, इसने भी दो मेथड को ओवरराइड किया हुआ है, ठीक है। कॉपी करते हैं और कार क्लास में गए और यहां पर इस दो मेथड को ओवरराइड किया हुआ, ठीक है। और इस यहां पर लिखते हैं कार डॉट शो और कार डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, जब हम यहां आएंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था, फादर एफ वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड डेमो, और चाइल्ड डेमो ने भी इस दो मेथड को ओवरराइड किया है, ओके, और वहां पर कार ने भी किया है। तो अब हम लिखते हैं फादर एफ टू इक्वल टू न्यू कार, ओके, न्यू कार लिख सकते हैं, f2 dot show f2 dot display, ओके। अब बाकी f2 का मेथड जो है उसको भी हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और क्या था इसमें, साथ में f2 dot insert भी, ठीक है, जो कि ये तो f2 का ही था, f2 dot, और बाकी इसमें क्या है, इसमें str है, ठीक है, तो हम str को भी कॉल कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अब क्वेश्चन है कि क्या str जो मेथड है वो फादर क्लास में डिफाइंड है, तो नहीं डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड नहीं है, तो आप इस str एक्सेलरेटर ब्रेक ये मेथड्स को आप कॉल नहीं कर सकते हो, जो कि नीचे के केस में था, यहां पर इसमें कि डिलीट मेथड जो है फादर क्लास में नहीं था लेकिन चाइल्ड क्लास में था वो, ठीक है, तो डिलीट मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते अगर आप फादर क्लास का रेफरेंस यूज करते हो, ठीक है, दैट मीन्स कि वहां नहीं कर सकते यूज। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो क्या आउटपुट होगा, अब अगर हम प्रिंट करते हैं इसको, ओके, आप इसका आउटपुट बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे इस केस में क्या था कि प्रिंट किया था, क्या इस केस में प्रिंट किया था हमारा सी डॉट सो, चाइल्ड क्लास का सो एंड चाइल्ड क्लास के डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ था। अभी हमने कार क्लास में भी डिफाइन कर दिया, ठीक है, कार क्लास में भी हमने सो एंड डिस्प्ले को ओवरराइड किया हुआ है, ठीक है, और कार क्लास के ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं, बनाए हुए हैं यहाँ पर फादर एंड इक्वल टू न्यू कार। जैसे ही ये समझ जाओगे आप, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ये ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स एंड ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर जब लेते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है, एक्चुअली में किसका कॉल हुआ, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी यहाँ पर। सो नाउ लेट मी नो दी आउटपुट, हम इसको डिसेबल कर देते हैं फिलहाल के लिए, ओके, या अब आप बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा इस लास्ट वाले का। सर कार डॉट शो, कार डॉट डिस्प्ले और एफ टू कार डिस्प्ले, सर एक बार कार वाली क्लास में है, हाँ ठीक जा रहे हो, ठीक है सर, उसमें आना सर एक बार चाइल्ड डेमो में, और इंसर्ट वाला किसमें डिफाइंड है सर, इंसर्ट जो है बेसिकली देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये देखो ये चीज है कि हमें हमेशा याद रखना है ये तीन मेथड है ना, दैट मींस ये तीनों मेथड इस क्लास में तो होगा ही होगा, इतना फिक्स है, ठीक है, ओके ओके, क्योंकि अगर इसमें नहीं होता ना, अगर फादर क्लास में नहीं होता ये मेथड तो ये आते नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि कार क्लास में मेथड था इस एक्सेलरेटर, ये तीन मेथड और था, ठीक है, लेकिन ये मेथड हम यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो, ओके, तो दैट मींस ये क्वेश्चन है कि ये मेथड कहाँ है, तो ये डेफिनेटली ये मेथड फादर क्लास में है, लेकिन ये इसके कुछ और मेथड्स जो है वो अवेलेबल है इस क्लास में भी, तो अब क्वेश्चन फादर क्लास का मेथड का कॉल होगा कि कार क्लास का मेथड कॉल होगा, ठीक है। सर ये दोनों अगर ओवरराइड है कार में तो ये ऊपर वाले कार दिखाएगा, बाकी नीचे वाला फादर को दिखाएगा, राइट, बिल्कुल। तो जैसे इस केस में क्या था कि चाइल्ड डेमो वाला था, और इस केस में क्या है कार, तो कार वाला दिखाएगा, ठीक है, रेफरेंस दोनों का एक,
ओके अभी आप देखोगे आउटपुट तो रेफरेंस में क्या है, यहाँ पर जब हमने कॉल किया था फादर एफ वन इक्वल टू चाइल्ड तो चाइल्ड का दोनों प्रिंट किया, ठीक है। जब हमने यहाँ पर किया फादर इक्वल टू न्यू कार तो कार का दोनों प्रिंट किया, ठीक है, और डॉट दोनों में सेम ही है। और यही चीज बेसिकली यूज किया है इंटरनली वेब ड्राइवर ने, ओके okay?